नमस्कार दोस्तों, अष्टम पॉइंट चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पहले पार्ट में मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विविध संस्थान के पार्ट वन के अंतर्गत 33 संस्थान का जिक्र किया था, और अब दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें 35 संस्थान का हम जिक्र करेंगे, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विविध जो संस्थान हैं उसका हम नेक्स्ट पार्ट जिक्र करेंगे। तो आइए बिना डिलेट के हम शुरू करते हैं। 33 पार्ट का हमने जिक्र किया था, ये 34वें से हम शुरू कर रहे हैं। 34वां है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, ये बंगलुरु में है। 35वां है भारतीय प्राकृतिक रेजिन और गोद संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, ये रांची में है। 36 नंबर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, ये कानपुर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, UPPCS में भी पूछा हुआ है, SSC में भी पूछा हुआ है, RO का एग्जाम आया था उसमें पूछा हुआ था, और ये लोअर PCS में भी कई बार पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग विशेषकर ध्यान रखेंगे। 37वां अनुसंधान है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, ये भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है ये। 38 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, कालीकट यानी कि केरल में ये अवस्थित है। कालीकट थोड़ा सा हिस्ट्री से भी अब संबंधित है, जमेरीन नामक का एक गुजराती शासक था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो इसे आप याद रखेंगे कालीकट। 39 नंबर क्वेश्चन है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, वाराणसी यानी कि जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सांसद भी हैं, MP भी हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना की ये राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी मेरे ने पिछले पार्ट में पूछा भी था कि इसकी स्थापना यानी ये राज्य 2 जून 2014 में बना है, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, रायपुर में है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, मालेगांव यानी कि महाराष्ट्र में ये अवस्थित है। तो आप इसको कंपेयर कर लेंगे कि राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र के से लगा हुआ राज्य है MP, और MP से ही लगा हुआ है छत्तीसगढ़, जहाँ जो छत्तीसगढ़ ये अवस्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय पशु पोषण और कायिक संस्थान बेंगलुरु में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर राष्ट्रीय जूट एवं संबद्ध रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है, ये कोलकाता में अवस्थित है, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 46 नंबर राष्ट्रीय पशु रोग जनपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान हब्बल यानी कि बेंगलुरु यानी कि ये आपका कर्नाटक में अवस्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन है गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, अभी गन्ना से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान था जो लखनऊ था, लेकिन ये गन्ना प्रजनन संस्थान यानी कि गन्ना की बहुत सारी प्रजातियों की ये खोज की जाती है कोयम्बटूर यानी कि केरल में अवस्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा यानी कि ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में अवस्थित है। 49 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय गोपश अनुसंधान संस्थान मेरठ में अवस्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में अवस्थित है। अच्छा, भोपाल से संबंधित तो अभी मान लीजिए जितने भी संस्थान उसको एक जगह आप कलेक्ट करके गैदर करके आप तैयार कर सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। 52 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में अवस्थित है। 53 नंबर है राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। 54 नंबर क्वेश्चन है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, करनाल यानी कि हरियाणा में अवस्थित है ये। 55 नंबर संस्थान है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में अवस्थित है। 56 नंबर देखेंगे भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। हैदराबाद से संबंधित दो तीन संस्थान मैंने पहले भी जिक्र कर दिया है, और ये लगातार क्वेश्चन देखिए भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान भी हैदराबाद में अवस्थित है और भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान भी हैदराबाद में अवस्थित है। देख लेते हैं भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ये दोनों तो हैदराबाद में अवस्थित हैं ही, इसके अलावा भी
एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी जिक्र किया है, ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी, ये भी हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर, भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान पेडा बेगी, ये कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी गोदावरी में अवस्थित है। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में अवस्थित है। 60 नंबर है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में अवस्थित। देखिए हैदराबाद, चार ऐसे संस्थान है जो कि हैदराबाद में अवस्थित है, तो हैदराबाद को आप थोड़ा सा विशेषकर ध्यान रखेंगे। चारों संस्थान एक जगह जिक्र कर लेंगे, एक जगह लिख लेंगे, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। 61 नंबर संस्थान है केंद्रीय कृषि महिला संस्थान भुवनेश्वर। देखिए भुवनेश्वर संबंधी दो संस्थान है, एक तो भारतीय जल प्रबंधन संस्थान और एक केंद्रीय कृषि महिला संस्थान, ये दोनों भुवनेश्वर में अवस्थित हैं, तो ये विशेषकर ये भी आप याद रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, यानी कि नींबू जो फैमिली है, मेलन फैमिली से संबंधित जितने भी अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान किए जाते हैं पादपों पे, वो नागपुर यानी कि ये महाराष्ट्र में अवस्थित है उस पर किए जाते हैं, वहाँ किया जाए सॉरी। 63 नंबर है, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, ये मऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में अवस्थित है। तो ये रहा दोस्तों 63 संस्थान, 33 संस्थान का मैंने पहले जिक्र कर दिया था, और ये आपके बाकी बचे संस्थान हैं, और इसका तीसरा पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अष्टम पॉइंट चैनल को प्रोत्साहित करिए, ताकि और भी इसी तरह के आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो हम लाते रहें, और आप लोगों का आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम अभी से एक बेस मजबूत करते चलें। तो मिलते हैं तीसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों।